जादुई घर। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी मजेदार और जादुई कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सुंदरपुर में एक रामू नाम का आदमी रहता था। वह अपनी शादी से बहुत खुश था। कुछ समय पश्चात उसकी पत्नी का देहांत हो जाता है। रामू बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम सुंदर था। रामू को उसी की चिंता सताती रहती थी। तभी उसे आदमी जो उसके पड़ोस में रहता था उससे कहता है, रामू तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत छोटा है, अभी उस बच्चे को एक माँ की जरूरत है। उस आदमी की बात मानकर रामू एक शांति नाम की औरत से शादी कर लेता है। कुछ साल बाद शांति एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम श्याम रखते हैं। पूरा परिवार खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सुंदर और श्याम दोनों एक साथ स्कूल जाते, खाना खाते, वे एक साथ ही सोते थे। परंतु यह सब देखकर उसकी माँ को चिंता सताती है कि कहीं रामू अपनी सारी जायदाद सुंदर को ना दे दे। यह बात शांति रामू को जाकर कहती है, सुंदर तुम्हारा बड़ा बेटा है ना? हाँ, पर क्यों? छोटे बेटे का क्या, सारी जायदाद तो तुम अपने बड़े बेटे को दे दोगे। मेरा बेटा शाम तो अकेला पड़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा, तुम देख लेना। ऐसा कहकर शांति वहाँ से रोकर चली जाती है। रामू यह सब सोचते हुए सड़क पर चल रहा होता है। उसी समय ट्रक से टक्कर लगकर रामू की मृत्यु हो जाती है। रामू के घर में मातम मना रही शांति रामू की मौत का कारण सुंदर को बता रही थी। कुछ समय बीत जाने के बाद, माँ भूख लग रही है, खाना दीजिए ना। जब देखो तब तुझे भूख लगती रहती है। सुंदर वहाँ से चला जाता है। शांति श्याम व सुंदर को एक साथ विद्यालय जाने से लेकर हर काम में सुंदर से अलग रहने के लिए कहती है। श्याम सुंदर के साथ रहना बंद कर देता है। श्याम अब तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते हो? मुझे माँ ने तुम्हारे साथ रहने के लिए मना किया है। सुंदर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। सुंदर को कुछ समय बीत जाने पर उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है। अब इस घर का बंटवारा होगा, तुम्हें हम नदी के किनारे एक घर है वह देते हैं, वहाँ जाकर तुम रह सकते हो। सुंदर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। यह क्या, मुझे यह घर दिया है इतनी सारी जायदाद होने के बाद भी? सुंदर उस घर में रहने लगता है। रात होने पर वह सो जाता है। जब वह सुबह उठकर देखता है तो वह घर वैसा नहीं रहता, वह एक आलीशान घर बन चुका था। तभी उस घर से आवाज आती है, यह घर तुम्हारी पहली माँ का है जिसका बचपन यहीं पर बीता था। तुमसे प्रसन्न होकर मैंने यह जादुई घर तुम्हें दिया है। सुंदर के उस घर में सारी सुख सुविधाएं थी। अब सुंदर जायदाद का गलत उपयोग ना करके गरीब लोगों की सहायता करता था और वृद्ध आश्रम में जाकर बूढ़े लोगों से मिलता था। कुछ समय पश्चात सुंदर की एक कोमल नाम की लड़की से शादी हो जाती है। दोनों अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शांति का बेटा श्याम कुछ बिगड़े लड़कों के साथ रहकर बिगड़ जाता है। उसे जुआ खेलने की भी लत लग गई थी। वह जुए में सब हार जाता है और अपनी माँ को घर से वृद्ध आश्रम भेज देता है। सुंदर वृद्ध आश्रम जाता है, तभी उसकी माँ उसे दिखती है। माँ तुम यहाँ कैसे? तभी रोते हुए उसकी माँ उसे सारी बात बताती है। अरे मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं माँ, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। शांति को अपने किए हुए पर बहुत पछतावा होता है और वह सुंदर के साथ उस जादुई घर में चली जाती है। अब सुंदर का सारा परिवार उस जादुई घर में खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।